हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं 8th क्लास की मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 10.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है, आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, कुछ हमें एक टेबल दे दी गई है, ठीक है। क्या दे दी गई है, टेबल जो है वो हमको दे दी गई है, ठीक है। तो टेबल में इन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ है फलक, ठीक है। फिर इन्होंने लिखा हुआ है शीर्ष, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है किनारे, ठीक है। ये हमको टेबल में ये तीन चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। जैसे कि इन्होंने फलक में हमको दिया है 7 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर हमको 20 दिया है। शीर्ष में हमको 6 दिया है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हमको 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो दिया गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, मैंने 7 लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है, उस चीज़ को हमें करना है क्या, उस चीज़ का हमें मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालना है तो हम सबसे पहले अपना आयलर का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। तो आयलर का जो सूत्र होता है वो होता है एफ प्लस वी माइनस का ई इज इक्वल टू में 2। ये होता है हमारा आयलर का सूत्र। एफ का मतलब हुआ हमारा फेजेस मतलब फलक, ठीक है। और V का मतलब हुआ वर्टिक्स मतलब V, E का मतलब हुआ एजेस मतलब किनारे या E, ठीक है। अब हम करेंगे अपना सबसे पहला वाला, ठीक है, जिसमें हमको क्या क्या दिया गया है। हमको F जो है वो निकालना है, पता नहीं है। V जो है वो हमारा 6 है, और E जो है वो हमारा 12 है, ठीक है। ई हमारा क्या है, 12 है। इतनी चीज़ दे दी गई है, तो भाई हम अपना आयलर का सूत्र जो है लगा देंगे। तो हमारा आयलर का सूत्र हम फिर से लिख रहे हैं ताकि आपको रट जाए, एफ प्लस वी माइनस का ई इज इक्वल टू में 2। एफ जो है वो हमको पता नहीं है, वी पता नहीं है, चाहे क्वेश्चन मार्क लगा दो चाहे तो एफ लिख दो, ठीक है। वी जो है वो हमारा 6 है, ई जो है वो 12 है, इधर हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क ही लगाए दे रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ही लगाए दे रहे हैं। प्लस इसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, बचेगा हमारा माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। चाहे पे यहाँ तो प्लस को हटा ही दो, चाहे लिखा रहने दो, हमारा माइनस ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर हमारा 2 है, ठीक है। अब हमें मान किसका निकालना है, इसका ब्रैकेट, ठीक है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, 2 लिखा हुआ था, 6 को उधर ले जाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब हमारा F का मान जो है वो क्या आ जाएगा, हमारा F का मान जो है, फेज का मान जो है वो हमारा आ जाएगा 8। क्या आया है, 8। मतलब यहाँ पे इस में हमारा यहाँ पे 8 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको अब हम जोड़ के देखेंगे, 8 और 6 जो है, 8 और 6 जब हम जोड़ेंगे तो हमारा 14 होगा, ठीक है। 14 में से अब 12 जब घटेगा तो हमारा 2 आ जाएगा। चाहे तो अपना आंसर जो है वो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसे लिखा जाता है, तुम बाद में पढ़ना सीख लेना, ठीक है, पहले लोगों को पढ़ना सिखा दे, ठीक है। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में F जो है वो हमारा 5 है, V जो है वो हमको पता नहीं है, और E जो है वो हमारा 9 है। तो फिर से हम अपना फार्मूला F प्लस V माइनस का E इज इक्वल टू में 2 जो है वो लिख देंगे। F का मान हमारा 5 है, V का मान हमें पता नहीं है, E जो है वो हमारा 9 है, बराबर में 2 हमने लिख लिया, ठीक है। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये हमारे घट जाएंगे, घट के हमारा क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, क्योंकि 9 बड़ा है, इसके पास माइनस है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क माइनस का 4 बराबर में 2, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क का मान जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क का मान जो है वो 2 तो लिखा ही हुआ था, 4 उधर गया तो हमारा प्लस में हो गया, तो अब ये हमारा 4 और 2 मिलके 6 हो गया। मतलब V का जो मान आया है वो आया है हमारा 6। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है।
तो 5 और 6 हम जोड़ेंगे तो हुआ 11, 11 में से जब 9 जो हमारा है वो घटेगा तो हमारा 2 बचेगा। ठीक है, मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। अब हम करेंगे अपना तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरे वाले में हमें क्या निकालना है, किनारा मतलब ई निकालना है। हमको फेस दिया गया है 20 और शीर्ष दिए गए हैं 12 और ई जो है वो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो फिर से वापस से फॉर्मूला लिख लेंगे, एफ़ प्लस वी माइनस का ई इज इक्वल टू में 2। तो एफ़ का मान जो है वो है 20, वी का मान है 12 और ई का मान हमें पता नहीं है, बराबर में 2 हमने लिख दिया। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा क्या आएगा, 20 और 12 जुड़ के हमारा हो जाएंगे 32। ठीक है, माइनस का क्वेश्चन मार्क बराबर में 2। अब इस बार में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को ही उधर भेज देते हैं, 2 हमारा इधर आ जाएगा। तो 2 जो है जब हमारा इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क उधर गया तो हमारा ये प्लस में हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई, 30 आ गई है। 32 में से 2 घटाया तो 30 बचा। तो कहने का मतलब है ई जो है वो हमारा क्या निकल के आ गया है, वो निकल के आया है 30। इस बार हम अपना आंसर फिर से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम 30 रखेंगे, 20 और 12 हुआ हमारा 32, 32 में से जब 30 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, मतलब हमने जो क्वेश्चन लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और डेली 8 बजे लाइव क्लास होती है, और हमारे इस वाले चैनल पर रीजनिंग की क्लास होती है, इंग्लिश की क्लास होती है, जीके की क्लास होती है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर भी लाइव आना ना भूलिएगा। ये हमारा ब्लॉग चैनल है जिस पे बहुत सारी मस्ती, घर के फेस्टिवल फंक्शन वगैरह जो हैं वो यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। और ये हमारा शॉर्ट्स चैनल है जिसमें आप बोलने वाली जो इंग्लिश होती है वो आप सीख सकते हैं, और इस टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी प्रैक्टिस जो है वो होती रहती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।